और कहना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा कुछ बैचलर है सब्सक्राइबर भाई लोग, वो लोग का कमेंट पढ़े थे तो बोले थे कि आपका खाना बनाने का तरीका देख करके हम लोग भी सीख लिए हैं खाना बनाने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रात में तो पत्थलगांव में सो गए थे हम लोग, तो सुबह उठ के चले वहाँ से, देखते हैं आज संडे है तो संडे आज कुछ सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए, तो मिल जाता है तो बन जाएगा। तो नहाना धोना भी है, थोड़ा हुलिया भी ख़राब हो गया है, थोड़ा डस्ट वगैरह ज़्यादा ना छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या पत्थलगांव रोड में, तो सोच रहे सब पार कर ले उसके बाद ही मतलब नहाएंगे धोएंगे। दोस्तों इसी जगह पर रुके हुए अभी, थोड़ा देखिए कितना अच्छा ठंडा जगह है, जंगल भी है यहाँ, गर्दा वगैरह डस्ट भी नहीं है, तो जंगल में जानते ही हैं कुछ ना कुछ जानवर मिलता ही हम लोगों को। तो जैसे अभी बंदर आया हुआ है, ये देखिए हमने, ये देखिए इसको, अब बंदर आ गया तो हम ही लोग आशा में आता है कि कुछ ना कुछ ट्रैवलर खाने के लिए देगा, तो ये देखिए देते हैं इसको खाने के लिए। ये टमाटर, ये लोग लाल चीज़ ज़्यादा पसंद करता है, देखिएगा अभी ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद करता है ये लोग, लाल टमाटर वगैरह। और इसके रिश्तेदार सब आ जाएगा अभी, अभी तो हम लोग रुके ही हैं, तो अभी आ गया बंदर। तो बहुत सा जानवर मिलता है हम लोग को जंगल झाड़ में, यही सब होता है, क्या बताएं, भालू वगैरह मिलता है, ये सब मिलते रहता है। देखिए अभी ये आया है, अभी इसको देखा, देखिए अभी इसका और रिश्तेदार सब आ जाएगा अभी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लोग खाना बनाते हैं, जगह बहुत अच्छा है, गर्दा वगैरह नहीं है उधर, तो पूरा डस्ट खाते हुए आए, देखते हालत कैसा हो गया अभी। कहीं नहाना भी है जगह, देखे कहीं नहाते धोते भी है, तो बहुत ठंडा जगह यहाँ पर है दोस्तों। तो चले यहाँ कहीं बिछाते हैं, अपना लाए हैं प्लास्टिक, जगह देख के कहीं बिछाते हैं और यही जगह बराबर दिख रहा है, यहीं पे बिछाते हैं और अपना खाना पीना चालू करेंगे। बस अब ये सामान थोड़ा सा बढ़ा देगा तो हम काट पीट में लग जाते हैं, देखते हैं उसको बोलते हैं चावल भी चढ़ा देगा और यहाँ हम काटने पीटने में चालू कर देते हैं। तो मेरा सारा जुगाड़ आ गया यहाँ पे, जितना प्याज मिर्चा आदि लहसुन सब आ गया, धनिया पत्ता वत्ता सब, तो मेरा काम है छील जुल के काटते हैं अभी। तो गाड़ी मेरा चावल बन रहा है अभी, तो यहीं पर हम बैठ के काट पीट कर ले रहे हैं। और एक चीज़ बता दें, आज हमारा खाने का जो आइटम है वो देसी मुर्गा है, देसी मुर्गा मिल गया था बड़ा सा, तो उसी को लेके कटवाया है, तो वही बना कर आज बनाना है हमको, तो वही बनाते हैं दोस्तों। आज संडे भी है, संडे का संडे भी हो जाएगा और देसी मुर्गा भी हो जाएगा। फिर दोस्तों बनाते हैं अभी, बहुत अच्छा जगह है, शांति है एकदम, कोई गर्दा नहीं, डस्ट नहीं, मतलब यही थोड़ा बंदर बुंदर आता है इधर उधर से, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। दोस्तों ये एक लाया गया है जो इसमें प्याज वगैरह काटने के लिए, क्या कि गाड़ी में कोई चीज़ में काट रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वही लाया है इस पर, किसी पर रख के काटा जाएगा। ये देखिए अच्छा है, जैसे इस पे रखेंगे इसको, ये देखिए इसे नुकसान नहीं है, ये बहुत अच्छा है ये काटने के लिए, कि इसमें काटने से क्या है कि पहले थाली में दाग हो जाता था, कई बार ऐसे हाथ में हम देखे, हम अंगूठा में भी ऐसे ऐसे दाग हो जाता था, कोई थाली में दाग भी नहीं होगा। ये देखिए ये इसी के लिए आता ही है, बहुत सा ढाबा में रहता है ये सब। तो अभी सागर गया था रामगढ़, तो बोला कि ले लेते हैं ये वाला, तो चलो भाई तो ले आया है, इसी में भी काटते हैं। लहसुन प्याज वाल सब मिर्चा डाल दिए, तो अभी तो इसको थोड़ा सा तल रहे हैं, हो ही गया है, मैंने आधा ये भी हो गया, तो अब ये भी डला के भूजेंगे। और कहना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा कुछ बैचलर है सब्सक्राइबर भाई लोग, वो लोग का कमेंट पढ़े थे तो बोले थे कि आपका खाना बनाने का तरीका देख करके हम लोग भी सीख लिए हैं खाना बनाने, या हम लोग सीख रहे हैं ऐसे टाइप का, तो बहुत अच्छा बात है।
कि भाई बेचे लड़का लोग को भी खाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं बाहर में काम करता है, कुछ भी करता है, तो अपना मनपसंद खाना भी बन जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा, और दूसरी बात क्या है कि अपना टाइम भी पास हो जाएगा और अच्छा खाना मिल जाएगा। तो सीखना चाहिए, हर लड़का लोग को भी थोड़ा बहुत खाना का आइडिया रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बाहर जाने के बाद बहुत बड़ा समस्या यही हो जाता है कि खाना वाना अगर होटल में खाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो कोई मंथली में होता है तो वो भी अच्छा खाना नहीं मिला जैसा भी हो। तो वही लोग बोले थे कि हमको बहुत अच्छा लगा हमको भी सुन के कि हमारा खाना देख कर वो लोग भी बनाने लगे। अभी तो ये देखिए अभी हमारा हो गया, अभी ये आधा मतलब लाल हो चुका है, तो अब इसको भी डालते हैं हम चिकन को भी, तो ये भी अपना दोनों साथ में फिर भुजाएगा। अब दोनों को मिलाना है अच्छी तरह से। अब ये देखिए आराम आराम से डाल देते मसाला। ये थोड़ा जीरा गोलकी है, ये धनिया पाउडर है अपना, ये तो हल्दी है, हल्दी का तो कलर ही से देख के पता चल जाता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ये थोड़ा सा मिक्स सब्जी है मसाला, और ये भी तो कलर से ही पता चल जाएगा लाल मिर्ची पाउडर है। ये लोदाम में लेना था भूल गए, कोई बात नहीं कहीं और ले लेंगे। ये अपना कुछ जगह भी खाली हो गया, मसाला कमी हो गया, याद नहीं रहा। देखिए हमारे बैचलर भाई लोग, देखिए कैसे बनता है, और ये मतलब मसाला भी अच्छी तरह से भूनना है हमको। ये देखिए मसाला जो है देख के ही आपको लगेगा, और मसाला डालने के बाद भूनने के बाद थोड़ा सा एक चीज़ होना है कि कम से कम ढक ढक के इसको करें, तो ढक ढक के भूनने से मसाला का टेस्ट का कुछ और ही बात है। ये देखिए ये ढक दिए थोड़ा देर, तो ऐसे ही ढक ढक के मतलब बनाना चाहिए मसाला डालने के बाद। मसाला डालने के बाद अगर ढक ढक के बनाइएगा तो मसाला का जो टेस्ट का जो गैस है वो वापस फिर जाता है, तो उसका कुछ और ही बात आता है। जंगल में कुछ ना कुछ आवाज़ तो आता ही रहता है, लगता है कहीं है हाथी लेकिन दूर में है, आवाज़ एक आया था अभी, काफ़ी दूर में है, नज़दीक नहीं है। अब भाई जंगल है कुछ ना कुछ आता ही रहता है, अभी बंदर सब भी था किधर गया अभी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ऐसे उघाड़ उघाड़ कर बनाएंगे तो ही टेस्ट बाजार बनता है। ये देखिए दोस्तों लगभग लगता है मसाला ही मेरा भून चुका है, क्योंकि जब कढ़ाई में सटने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि अब पानी नहीं रहा उसमें, मसाला के बाद हल्का सा पानी दिए थे। अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर भी गलेगा ये भी होगा। ये देखिए अब टमाटर भी डाल देंगे तो गल जाएगा इसी पे, अभी जब चलाए थे तब थोड़ा ढक देते हैं इसको। दोस्तों खाना हमारा बन गया है, अब करीब दोपहर का 1:30 बज गया है, तो चले हम लोग खाना ना खाने। तो खाना निकाल रहा है अभी, खाना निकाल के अभी खाते हैं। अभी लहसुन 4-5 गो ना है? हाँ 4-5 गो लहसुन है। दोस्तों खाना भी निकल चुका हम लोग का, अब ये थोड़ा सा जंगल में है तो भाई दे देते हैं। ठीक है दोस्तों अब चले खाना खाने।
तो दोस्तों अभी खाना पीना सब हो ही गया है, अभी तक देखिए खाना खा के अभी तक हम पानी नहीं पिए हैं। ये क्या है कि हमारे साथ कई ऐसा ऐसा लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब लोग भी मिलते हैं हमसे, तो वो लोग बताते हैं खाने का तरीका वगैरह। तो अभी जैसे चिकन खाए हैं तो उनका कहना था कि मतलब थोड़ा ज़्यादा चबा खाना चाहिए और पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। तो ये सब चीज़ वही लोग बताते हैं, हमको सलाह देते हैं, हालांकि पहले से भी कुछ मालूम था ही, लेकिन लोग बताते हैं तो सुन लेते हैं, अच्छा लगता है और हम भी लोग बताते हैं। बहुत से लोगों को देखे कि खाना खाएगा पानी पिए, खाना खा पाए, वो गलत हो जाता है, नहीं करना चाहिए वैसा। तो अभी तो देखिए चिकन मटन में ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देते हैं हम कि खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, कि वो अच्छी तरह से वो जाए, मिक्सिंग हो जाए, उससे क्या कि पेट खराब वगैरह भी नहीं होगा और भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों अभी जाते हैं, आधा घंटा मेरा हो गया टहला हुआ इधर, तो थोड़ा पानी में पीते हैं उसका फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी देखिए मेरा सेट का भी कोटा पूरा करना है, 400 किलोमीटर का बोले हैं वो, तो कल तो 350 में हम लोग रुक गए थे क्योंकि रास्ता ख़राब था, नहीं चले थे, उतना उनको भी समझ में आता है कि ज़्यादा ख़राब रास्ता भी नहीं चलना है। तो अभी हम लोग का लगभग हो ही गया है, मतलब रायपुर तक पहुँचेंगे तो उनका कोटा पूरा हो जाएगा, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी। तो आज रात भर हो सकता है चलाना पड़ जाए गाड़ी, मतलब 12-1 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। खाना पीना तो हो ही गया, रात का भी खाना थोड़ा बचा हुआ है, वही हो जाएगा हम लोग रात में भी, बनाने का लफड़ा नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो रोटी बनाएंगे, सब्जी बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी। दोस्तों शाम के 5 बजे आए, ये हम लोग 12 द्वार पहुँच गए हैं फाटक के पास। ये देखिए रास्ता ख़राब है अभी, बस ये फाटक में ही मतलब जाम भी लगता है और रास्ता भी ख़राब है, यहाँ थोड़ा ही दूर है, तो इसका नहीं बनाने कारण है कि ओवरब्रिज बन रहा है बगल में, उधर काम चालू है उसके चलते इस पर ध्यान नहीं देता है, तो जब ज़्यादा हो जाता मिट्टी भी डाल देता है ला करके, बस इसी तरह चल रहे हम लोग। अब ओवरब्रिज बन जाएगा तो ये फाटक का भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा, फाटक लगता है बंद होने वाला है, क्योंकि रास्ता देखिए कितना बड़ा बड़ा गढ़ा है, देखिए ये गाढ़ा में गाड़ी लेके जाना, यही सब चीज़ में आराम आराम से आदमी जाता है। चलिए शुक्र है कि फाटक खुला है, निकल जाएंगे हम लोग, इसके बाद मतलब रोड खराब नहीं मिलता है, मतलब उधर तो फिर सही हो गया था खरसिया से, थोड़ा दूर यही फाटक में है उसके चलते थोड़ा सा होता है जाम भी, बस थोड़ा बस इसको पार कर जाए। थोड़ा गर्दा देखिए, डस्ट कितना उड़ रहा है आगे, अब ये सब चीज़ लेके मतलब हम लोग का नहाना धोना बेकार हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है पूरा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई डस्ट वाला एरिया पूरा पार कर जाए उसके बाद मतलब नहाना धोना करें। क्या ये देखिए कपड़ा हम ही लोग को खींचना है खुद, हम लोग कोई लॉन्ड्री में नहीं भेजते हैं, खुद खींचना है, तो जानबे करते हैं कि नहाने के वक्त में आदमी का कपड़ा भी खींचना, नहाना भी, थोड़ा ये सब हो जाता है, इसीलिए थोड़ा कपड़ा को बचाते हैं कि चलो भाई थोड़ा और गंदा हो जाओ, अभी पहन लेंगे फिर कल गंदा हो जाएगा, खींचना पड़ेगा हम ही को, यही सब लेकर के थोड़ा सा गंदाई में रह जाते हैं कि चलो इसको पार कर लेते हैं फिर खींचेंगे। आप लोग भी देखते होंगे कि एक ही शर्ट पर मतलब 2-3 दिन है, तो कारण यही है कि हम लोग डेली नहा नहीं पाते हैं। अब दोस्तों हम कई कमेंट भी आया है, कई लोगों से मुलाकात की है, तो वो लोग भी कहते हैं कि मतलब आपका नेचुरल जो है वही चीज़ आप पहन, सही बात है, हम 3 दिन से नहाए नहीं, कपड़ा वही का वही पहने हुए हैं, क्योंकि हमको खुद खींचना है, कोई खींचने वाला नहीं, खुद खींचना है, खुद खाना बनाना है, तो कितना करेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं चलो गर्दा वाला एरिया पार कर लेते हैं, अब 2-3 दिन से पहने हुए हैं पूरा गंदा हो गया कपड़ा, अब एरिया पार करेंगे फिर खींचेंगे फिर। ठीक है दोस्तों यही मेरा है कि थोड़ा अभी चलते हैं, शाम हो गया, अब कहीं देखते हैं, चाय पीने का मूड बन रहा है, चाय पियेंगे। दोस्तों अभी रात के 10 बज गया, मतलब 10 बजे हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बड़ौदा बाजार में, तो यही दिन का सब्जी बचा हुआ था वही लिए हैं, अब थोड़ा रोहित का डॉट था, अरे का ले रहा है ये, देखो ना इसका आदत है, मतलब कि बर्दाश्त नहीं ज़्यादा लेता है, तो रोहित का कहना था कि इतना नहीं होगा और चाहिए कुछ, तो हम अंडा ले लो, तो अंडा ले लिया है, अंडा भुजिया भी बनाया है और ये भी। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग बड़ौदा बाजार में हैं, तो रायपुर हम लोग सुबह कल देखते हैं कुछ काम होता है क्या होता है, सेट बोला था चक्का ग्रीस कराने के लिए। ठीक है दोस्तों खाना वाना खाते हैं, दोस्तों खाना पीना तो हो गया,
अब हमारा रात के 10:30 बज गया है, तो कुछ प्लानिंग है कि अभी आगे जाके कहीं सोते हैं अच्छा उधर ढाबा में या पम में। यहाँ पर उसका गाड़ू नहीं दिख रहा हमको, रुक के तो जरूर है, खाना खा लिए हम लोग बनाए थे और उसके बाद अब निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों काफ़ी रात हो जाएगा, इसके कारण है कि जाके कहीं सोएंगे हम लोग। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।